जो बाइक तैयार हुई है गाइस काफी ज्यादा किलिंग तैयार हुई है। इसमें एक एक चीज आप देख सकते हो, जैसे कि इसमें देखोगे क्रैश गार्ड लगा रखा है डबल वाला, इसके अलावा फोर प्रोटेक्शंस हो गए, फॉगलैम्स हो गए, फॉगलैम्स यहाँ पर हो गए, इसका हेडलाइट ग्रिल, इसका रेडिएटर ग्रिल, सम गार्ड अंदर देख सकते हो, पूरी एल्युमिनियम वाला, इसमें जंग नहीं लगेगा, वाइजर एक्सटेंडर हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैमरा माउंट और इसके अलावा मोबाइल होल्डर। तो स्पेशली मैं पूरा मार्केट छोड़ के आपके पास आया, और आपकी सर्विसिंग, आपके स्प्रेयर पार्ट सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके टेक्नीशियंस बिल्कुल परफेक्टली काम करते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं फुली सैटिस्फाइड हूँ। आप सीधे हमारी शॉप पर आए? तो गाइज भैया ने अभी बाइक सीधे लिए नोएडा से, जैसे मैंने आपको बताया था, फिर भैया यहाँ पर लेकर आप सीधे अपने जाएंगे कुल्लू, और बाहर ले जाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं, फोकस कोई दिक्कत ना आए किसी तरीके का। ये देखो इसका वाइट का, ये येलो वाइट एक साथ, ये जो ब्लू वाला बटन है इसे दबाओगे तो फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी, और फ्लैशिंग चाहे येलो में ले लो। तो ये आ चुकी है व्हाइट कलर की बेनेली TRK 502। काम चल रहा है, वो चल रहा है क्रैश गार्ड का, जो क्रैश गार्ड है ये बहुत ही हैवी वाला, प्रॉपर फिटिंग के साथ अल्टीमेट है, और ये कोई जुगाड़बाजी नहीं है, स्पेशली फिटिंग फॉर बेनेली TRK 502X। ये एक पार्ट इसका यहाँ पर आ गया, एक पार्ट इसका उस साइड में, इसी तरीके से प्रॉपर फिटिंग होगी। अगर मैं आपको बैक साइड से दिखाऊँ तो ये भी एक टास्क है अपने लिए कि जल्दी करना है इसका काम। इसमें लगा दी गई है कि सस्पेंशन डैमेज ना हो, चले फॉग लैंप्स लगा रहे हैं, छोटी वाली है ताकि, और ये मिनी ड्राइवर है, इसमें दो कलर मिलते हैं, एक इसके अलावा गियर सॉक्स, जूते आप देख रहे हो काले पीले हो रहे हैं, ये साथ अपनी बाइक में। ये आ गया इसका स्विच, पर ये जो है इसके माउंट है, ये माउंट इस जगह इस तरीके से लगाते हैं लगेगा। इसके अलावा एक फॉग लैंप्स यहाँ पर आ चुकी है, वाई वाली जो काफी फेमस प्रसिद्ध डिजाइन है, यहाँ लगेगा इस तरीके से, हार्नेस वायरिंग के साथ में लगा सकते हैं, जिसमें काफी सारे मोड्स और एक्टिवेट हो जाते हैं, स्विच वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा देखने में एक्जैक्टली। तो आपने देखा था फोर्थ स्लाइडर, उसी तरीके से लगेंगे, इसे फोर्थ प्रोटेक्शन एंड फोर्थ स्लाइडर का पूरा किट, वाइजर एक्सटेंडर ये वाला है, इसमें देखा होगा अभी वाला वाइजर है ना, ये इस तरीके से लगेगा गाइस, ये देखो। अब हेडलाइट का ग्रिल, जैसे कि रेडिएटर का ग्रिल है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बट ये हेडलाइट का ग्रिल है, और जितनी भी चीजें हैं सारी इंपोर्टेड लगा रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका लुक चेक कर सकते हो, क्या तो लुक आ रहा है, आम के आम और गुठलियों के दाम, रेडिएटर ग्रिल। अब रेडिएटर काफी सेंसिटिव पार्ट है, राइडिंग के दौरान कोई पत्थर लगता है तो सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी हो सकती है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल। और अब यहाँ पर आपको चेक करा देते हैं सम गार्ड, इसमें जंग लगने का इशू है ही नहीं, जो कंपनी ने दिया हुआ है वो सिर्फ यहाँ तक है, नीचे आप देख पा रहे हो। अब जो हम दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं प्रॉपर, जिससे आपका ऑयल फिल्टर भी सेफ रहेगा एग्जैक्ट। और यहाँ पर कैमरा माउंट लगाया है GoPro माउंट, जिसमें कुछ इस तरीके से अपना GoPro अपना 360 कैमरा आप लगा सकते हो। तो हेलो, वेलकम बैक टू SKD बाइक वर्ल्ड, कैसे हैं आप सब, मेरा नाम है सिकंदर। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया, आज के सिनेरियो में जो बाइक है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा इसकी मॉडिफिकेशन, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अभी के सिनेरियो में कौन कौन सी बाइक्स अभी अपनी शॉप पर आ रखी हैं, तो वो उसके लिए मैं आपको स्टार्ट करूंगा यहां से। तो यहां आप देख सकते हो अपने सामने है बेनेली TRK 502X, और इसमें जो है डायरेक्ट भैया भी आए हुए अपने पास, सीधे शोरूम से यहाँ पर आए हुए, मॉडिफिकेशन करा के फिर जाएंगे घर। और भाई ये देख सकते हो इसमें सारे ही काम होने हैं, अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक आ रखी है। और अगली जो अपने पास बाइक है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर NS125 है, इस पर भी काम चल रहा है, हैंडगार्ड वगैरह लग चुके हैं, हॉर्न लग रहे हैं, करिश्मा XMR। अब इसमें क्या है, जैसे स्लाइडर वगैरह होगा जरूरी है, क्रैश गार्ड ही मिल जाएगा अपने पास। इसके अलावा यहाँ पर विंगलेट लग चुकी है, फोर प्रोटेक्शन लग चुके हैं, इसी तरीके से इसमें और भी काफी सारे काम चल रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक्सट्रीम 125R, जो आप लोगों को पता ही है काफी ज्यादा ट्रेंड में रहती है, तो इसमें लेडीज फुटरेस्ट, और यहाँ पर इसका टायर हैंगर आता है लेकिन फिर भी मिट्टी अंदर आती है, तो एक टायर हैंगर और लगा रहे हैं इस जगह पर। बाकी अपने पास क्रैश गार्ड वगैरह भी मिल जाएंगे, और आपको और दिखा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारी बाइक देखने को मिल जाती है ZX10R। यहाँ पर आप देखोगे हिमालयन 450, इसमें क्रैश गार्ड हो गया, फॉग लैंप्स हो गए, और आगे PPF का काम चल रहा है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और हैं। तो ये हो गया, और यहाँ पर आ गया जिक्सर SF150, और इसमें भी आपको दिखाया था मैं क्या क्या चीज़ें, जैसे कि इसकी बैक साइड में देखोगे तो इसकी पूरी टेल टैडी, पूरा जो सिस्टम था निकाल दिया है स्पोर्टी लुक के लिए, सीट कवर विद कुशनिंग के साथ में, इसके अलावा लीवर गार्ड्स, जो मिरर हैं वो काफ़ी नए वाले लगाए हैं इस बार, काफ़ी हैवी वाले, ज़्यादातर जो विंग्स वाले मिरर आ रहे हैं वो काफ़ी हल्की क्वालिटी के, लेकिन अपने पास देखो कितने हैवी गेज है इसका पूरा बिल्ड। इसके अलावा यहाँ पर बबल वाइजर लग चुका है, और फोर स्लाइडर्स लग चुके हैं, एक यहाँ पर MT है, MT में लेमिनेशन का काम चल रहा है, वहाँ पर R15 है, और आपको दिखाता हूँ मैं बाइक्स कौन कौन सी है अपने पास। ये आ गई R15 में भी जो है लेमिनेशन का काम चल रहा है, प्लस DRL वगैरह लगेंगे, और ठीक है लेमिनेशन का काम चलेगा भाई कराएंगे। इसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा क्राउड है, आ जाओ भाई आ जाओ। ये MT भी देख लो पहले, MT में लेमिनेशन का काम
काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी फाइनल एयर हम जब उतारते हैं, जब सारा काम हो जाता है कि बाद में किसी भी तरीके का कोई स्क्रैच ना आए। ये हो गया जी, ठीक है, स्लाइडर्स वगैरह हो गए, SP125 इसमें भी लैमिनेशन काम चल रहा है, और इसमें क्रैश गार्ड वगैरह हो गया, और भी काफी सारे काम है तो वो सब भी करेंगे। सभी जो आपने जितनी बाइक्स देखी ये तो होती हैं अपने शॉप पर, लेकिन आज का जो सिनेरियो रहेगा वो रहेगा बेनेली 502 TRK पर, यानी कि बेनेली TRK 502 X वाला एडिशन है। अगर आप लोग X वाले के अलावा कोई और एडिशन है तब भी आप इस तरीके का वर्क करा सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाइक सीधे शोरूम से अपने पास आई हुई है, और एक्चुअली ये जो बाइक है ये है कुल्लू, पहले यहाँ पर आया, फिर उन्होंने डिलीवरी ली, और जो नंबर एक्चुअली वो यूपी का है, यूपी से ली है, तो पता नहीं क्या चक्कर है, वो तो खैर अलग बात है। तो चलो बाइक दिखाता हूँ, और जिसमें चीज़ें ऐड करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। शुक्रिया, पहले आपको बता दूँ जो मेरी रियल शॉप है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने डुप्लीकेट शॉप भी खोल रखी है, तो इंडिया मोटर के साथ में मेरा मिलेगा SKT बाइक वर्ल्ड, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा सिकंदर करके, बाकी स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा है तो वो भी आप देख सकते हो। इधर फंस गया, तो ये आ चुकी है व्हाइट कलर की बेनेली TRK 502, जिसमें भी सबसे पहला जो काम चल रहा है वो चल रहा है क्रैश गार्ड का। जो क्रैश गार्ड है ये बहुत ही हैवी वाला प्रॉपर फिटिंग के साथ लगा रहे हैं इसमें, और इसकी जो कनेक्टिंग है एक्चुअली आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इसकी बिल्डनेस मजबूती अल्टीमेट है, और ये कोई जुगाड़बाजी नहीं है, स्पेशली फिटिंग फॉर बेनेली TRK 502X। तो डोंट वरी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक पार्ट इसका यहाँ पर आ गया, एक पार्ट इसका उस साइड में, देन उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है वो अलग, एक स्लाइडर इसमें लग चुका है, एक स्लाइडर इसमें लगेगा, इसी तरीके से प्रॉपर फिटिंग होगी। अगर मैं आपको बैक साइड से दिखाऊं तो अभी इसका नंबर भी नहीं आया है, और अभी यहाँ पर सीधे भैया को मॉडिफाइड करा के लेके जानी है यहाँ से, तो ये भी एक टास्क है अपने लिए कि जल्दी करना है इसका काम। इसके अलावा इसमें रेडिएटर ग्रिल, इसका हेडलाइट ग्रिल, इसका जो है साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगेगा, फोर प्रोटेक्शन इसमें लगा दी गई है, क्योंकि किसी भी तरीके का इशू ना आए, अगर राइडिंग के दौरान बाइक गिरती भी है, कुछ लगता भी है, सस्पेंशन डैमेज ना हो, ठीक है। सम गार्ड लगेगा, क्योंकि इसका जो ऑयल फिल्टर है वो आप लोगों को पता है ज़्यादातर बाइक्स का ऊपर आता है, तो राइडिंग के दौरान अगर कुछ लगता भी है तो ये चीज़ आपकी डैमेज ना हो, नहीं तो सारा ऑयल ड्रेन हो जाएगा, गिर जाएगा, तो वो उसकी सेफ्टी के लिए एल्युमिनियम में लगेगा इसमें सम गार्ड, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें और हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉग लैंप्स लगा रहे हैं, ये छोटी वाली है, ताकि छोटा एक बड़ा पेयर रहेगा तो काफ़ी अच्छा कॉम्बो बनेगा। और ये मिनी ड्राइव है, इसमें दो कलर मिलते हैं, येलो एंड वाइट, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहता है, इसका फोकस काफ़ी अच्छा रहता है, तो ये लगेगा एक। इसके अलावा गियर सॉक्स, जूते आप देख रहे हो काले पीले हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये मैंने नहीं लगा रखा था अपनी बाइक में। ये आ गया इसका स्विच, और यहाँ पर ये जो है इसके माउंट है, ये माउंट इस जगह इस तरीके से लगाते हैं, और इस पर लगेंगे फॉग लैंप्स, ताकि किसी भी तरीके का ना वाइब्रेशन से लूजिंग ना हो राइडिंग के दौरान, फिर बार बार आप एलंगी लेके टाइट करते रहते हो तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, तो ये सेट लगेगा। इसके अलावा एक फॉग लैंप्स यहाँ पर आ चुकी है, वाई वाली, जो काफ़ी फेमस प्रसिद्ध डिज़ाइन है ये मर्सिडीज़ वाला, और इसका फोकस वो उससे भी ज़्यादा हैवी है। यहाँ लगेगा इस तरीके से, यहाँ लगा सकते हो या फिर यहाँ कहीं भी इसको माउंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके माउंट लगे तो माउंट बाहर निकलते हैं, अब उसे आप इस जगह पे भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, तो ये दैट्स योर चॉइस, आपको कहाँ ज़्यादा कंफर्ट लगता है, लेकिन हम इसको फोकस के हिसाब से एडजस्ट करके सेट करेंगे। तो ये वाला जो है फॉग लैंप्स इसमें लगाने वाले हैं विद हार्नेस। अब हार्नेस का क्या सीन है, जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को अपनी बाइक की वायरिंग नहीं छेड़खानी करनी है, बैटरी परफेक्ट नहीं डलना चाहिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, हार्नेस वायरिंग के साथ में लगा सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे मोड्स और एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का आता है, इसमें स्विच वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा देखने में एक्जैक्टली, और इसमें पावर ब्लास्टर है जो कि बैटरी को मेंटेन करता है और फूकने से बचाता है, ये सारी और भी इसमें काफ़ी सारी वस्तुएं हैं जो बाद में देखेंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा था फोर्थ स्लाइडर, उसी तरीके से लगेंगे इसे, फोर्थ प्रोडक्शन एंड फोर्थ स्लाइडर का पूरा किट, ये फोर्थ प्रोडक्शन आ गई, ये आ गया फोर्थ स्लाइडर, तो ये इस तरीके से लगेंगे अगर आप लगाना चाहते हो, और हो सका तो इसमें लगा देंगे, आप लोगों को एक एग्जांपल दे देंगे कि लगने के बाद कैसा लुक आता है। बाकी ये बहुत ज़्यादा बल्कि बाइक है भाई, इसको बाहर ले जाके भी आपको दिखाऊंगा। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर वाइजर एक्सटेंडर। अब वाइजर एक्सटेंडर मेरे पास दो तीन तरीके के हैं, एक इसको दिखाता हूँ रेडी वाला कौन सा है, एक वाइजर एक्सटेंडर ये वाला है डबल सेफ्टी के साथ, ये सिंगल वाला है, ये आपने काफ़ी सारी जो है बाइक्स में देखा होगा। अब इन दोनों का काम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आप लोग देख के समझ ही गए होंगे, जो एक्चुअली ये वाला वाइजर है ना ये इस तरीके से लगेगा गाइस, ये देखो, तो ये इसकी हाइट को इंक्रीज करेगा, दूसरा वाला यहाँ लगेगा, लेकिन हम ये वाला लगाएंगे, काफ़ी परफेक्ट लग रहा है इस पर, लुक लाइक डिसेंट, तो यहाँ पर ये लगाने वाले हैं। और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, और आपको दिखाता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं। इन सब चीज़ों के बाद गाइज मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा रहा हूँ जो इस बाइक की ज़रूरत है और आप लोगों को लगवानी ही लगवानी है, चाहे आप कहीं से भी लगवा रहे हो, तो वो चीज़ें आपको और दिखा देता हूँ। ये सब चीज़ें तो हैं ही, क्रैश गार्ड वगैरह हो गया, बाकी मैं आपको कुछ चीज़ें और चेक कराता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिखा रहे हैं आपको हेडलाइट का ग्रिल। अब हेडलाइट का ग्रिल जैसे कि रेडिएटर का ग्रिल है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बट ये हेडलाइट का ग्रिल है। अब हेडलाइट का ग्रिल क्यों लगाना जरूरी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो पहले से निकाल लेते हैं और जितनी भी चीजें हैं सारी इंपोर्टेड लगा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए क्वालिटी से। ये लो भाई, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका लुक चेक कर सकते हो, क्या तो लुक आ रहा है। प्लस राइडिंग के दौरान कोई पत्थर कोई पार्टिकल लगता भी है तो आपकी जो हेडलाइट है वो सेफ है, लुक इनहेंस हो रहा है गाइस। आम के आम और गुठलियों के दाम, ये वाली कहावत इस पर परफेक्ट बैठती है। टीआरके की ब्रांडिंग नेक्स्ट चीज है, वो है इसका रेडिएटर ग्रिल। अब रेडिएटर काफी सेंसिटिव पार्ट है, राइडिंग के दौरान कोई पत्थर लगता है तो सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी हो सकती है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल जिसमें किसी भी तरीके का तापमान हो ये एडजस्ट करेगा, मैनेज करेगा, सर्टिफाइड है, टीआरके की ब्रांडिंग के साथ आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया इसका रेडिएटर ग्रिल एंड दिस वन हेडलाइट ग्रिल। और अब यहाँ पर आपको चेक करा देते हैं सम्प गार्ड, इंजन गार्ड भी कह सकते हो आप सरल भाषा में, और ये पूरा एल्युमिनियम का है, इसमें जंग लगने का इशू है ही नहीं। जो कंपनी ने दिया हुआ है वो सिर्फ यहाँ तक है, नीचे आप देख पा रहे हो। अब जो हम दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं प्रॉपर, जिससे आपका ऑयल फिल्टर भी सेफ रहेगा एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से। इस पर कोई पत्थर लगा तो ये डैमेज नहीं होने वाला है आपका ऑयल फिल्टर, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें ऐड कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है इसका ऑल अबाउट लुक। अभी फिलहाल इसमें क्रश गार्ड एक साइड का डन हो चुका है, स्लाइडर अभी टाइट करने बाकी हैं, कुछ इस तरीके के स्लाइडर्स होते हैं। बाकी यहाँ पर मोबाइल होल्डर लग चुका है, सेम जगह पे वाइजर एक्सटेंडर भी ऐड हो चुका है, और क्रश गार्ड लगने के बाद काफ़ी बाइक बल्की एंड प्रीमियम लग रही है। वैसे तो बाइक अपने आप में ही प्रीमियम है, तो ये देख सकते हो आप। तो अभी इसकी चल रही है, अब इसकी दो तीन चीज़ों की फिटिंग और रह गई है, देन उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट चेक कराता है तुम्हारा भाई। तो गाइस यहाँ पर जो बेनेली टीआरके 502X न्यू मॉडल वाइट ब्यूटी हो चुकी है रेडी, आप चेक कर सकते हो इसका लुक फ्रंट से। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये दो गाइस, और अभी जो वीडियो शूट हो रही है जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ, फिर भी कितनी ज़्यादा ह्यूज कितनी ज़्यादा बल्की लग रही है। अब जो नॉर्मल क्रैश गार्ड आपको मार्केट में मिल रहा है मेरे पास वो भी है, लेकिन उनकी जो दूरी है आपके फेयरिंग से वो यहाँ पर आती है भाई, यानी कि पूरा एक बालिश का फर्क आएगा। और ये बाइक पहले ही इतनी चौड़ी है तो इसको और चौड़ी बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो मेरे पास वो वाला क्रैश गार्ड ही मिल जाएगा। अभी हमने जो क्रैश गार्ड लगाया वो लगाया है BS का, जो कि प्रॉपर फिटिंग के साथ है, और इसको लगाने के बाद आप बाइक को गिरा के भी टेस्ट कर सकते हो। इसमें तो जो है सेट आता है, नीचे का लगाएगा ये वाला पार्ट का लगाएगा, जिससे इसकी मजबूती बिल्डनेस अल्टीमेट हो जाती है। डबल स्लाइडर, एक स्लाइडर यहाँ देख सकते हो, एक स्लाइडर यहाँ पर देख सकते हो। इस वाले स्लाइडर से आपका बैंड पाइप ऑल अबाउट आपका इंजन सेफ है, और जो क्रैश गार्ड का डिज़ाइन है देख सकते हो, ये कभी लगता भी है तो पहले तो सारा इंपैक्ट इस पर आएगा, लेकिन आपका बैंड पाइप, आपका इंजन, आपके लेग्स सेफ हैं, आपका टैंक सेफ है, तो ऑल अबाउट आपका फेयरिंग यहाँ से कनेक्टिंग हो गया, अब यहाँ से आपस में जुड़ गया है। और इस एंगल से भी देख लो, ये देख सकते हो यहाँ से आप, तो यहाँ से भी डिज़ाइन देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम आ रहा है, और यहाँ से भी पूरी सेफ्टी हो गई आपकी, और जब आप बैठोगे तो आपके लेग्स की भी पूरी सेफ्टी है ऑब्वियसली। तो ऑल अबाउट जो है क्रैश गार्ड का लुक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहा है सिंगल शब्दों में, ठीक है जी। क्रैश गार्ड के अलावा अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने लगा रखी है फॉग लैंप्स, और यहाँ पर लगा रखी है इसकी क्लैंप। तो ये क्लैंप इसलिए है, ये अमर है, आपने एक बार जो टाइट कर दिया ये लूज़ नहीं होगा, चाहे कितनी भी ऑफ रोडिंग करो या जिस तरीके की मर्जी राइडिंग करो। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। इग्निशन हमने कर दिया है ऑन, और यहाँ पर जिसका स्विच है ये है हार्नेस वायरिंग के साथ। अब जो हार्नेस वायरिंग है वो खुद की एक वायरिंग होती है अलग से, जो कि आपकी बाइक की वायरिंग से कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, जस्ट प्लग एंड प्ले फिटिंग, वो भी कपलर टू कपलर। रेड वाला बटन दबाते ही हो जाती है येल्लो, और जो फोकस है इसका वो यहाँ पर देख सकते हो, बाकी बाहर ले जाकर भी देखेंगे, अभी शॉप के अंदर ही है। और ये है दोबारा दबाया हमने वाइट, ठीक है जी। अभी फोकस सेट करना बाकी है, अभी हल्का सा लूज छोड़ देते हैं हम, फाइनल फोकस बाहर ले जाकर ही सेट करते हैं। ये है इसका रेड वाला बटन, ये है इसका ब्लू वाला बटन। ब्लू वाला बटन दबाने के बाद ये करेगी फ्लैशिंग, और फ्लैशिंग के काफ़ी सारे मोड्स हैं। एक मोड्स ये वाला आ गया, एक मोड्स ये वाला आ गया, और एक मोड्स ये वाला आ गया, बहुत ज़्यादा फास्ट। अब ये आपको फ्लैशिंग करनी है येल्लो पे, तो दोबारा से आप येल्लो वाला बटन दबा दो,
और ये चीज़ आप येलो पे भी कर सकते हो। ठीक है जी, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये दोनों शेडें एक साथ आपको देखने को मिल रही हैं, वाइट एंड येलो एक साथ, तो कंबाइंड भी है, सिंगल भी है और कंबाइंड भी है। ठीक है जी, इस फॉग लैम्प को कर देते हैं ऑफ, एक सेकंड होल्ड करोगे ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे फॉग लैम्प्स और लगा रखी है और यहाँ पर इसके पीछे लगा रखी है फोर्क प्रोटेक्शन, सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए, इनकेस कभी बाइक गिरती भी है सस्पेंशन आपके डैमेज ना हो, इसके लिए यहाँ पर फोर्क प्रोटेक्शन यहाँ पर लगा दी है, यहाँ पर लगा दी है फॉग लैम्प्स सेम साइड यहाँ पर। लेकिन इसमें दो चार चीज़ें फालतू मिल जाएंगी आपको इस वाली फॉग लैम्प से। यहाँ पर इसका स्विच है, इसको जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपको रेड कलर के TRLs इसके डेविल आइस इसकी एक्टिवेट हो जाती है। ये देखो गाइस, अब मैं इसको दोबारा दबाऊंगा तो वाइट है, येलो, येलो वाइट एंड फ्लैशिंग, और फ्लैशिंग भी अलग अलग तरीके से। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हो गई और इसके अलावा आपको और चीज़ें दिखा देते हैं क्या क्या है। जैसे कि इसका हेडलाइट का ग्रिल, अब हेडलाइट का ग्रिल इसकी हेडलाइट की प्रोटेक्शन के लिए भी है, इसकी लुक को एनहेंस करने के लिए भी है, बेनेली की ब्रांडिंग के साथ है जो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। हेडलाइट की ग्रिल के बाद यहाँ पर आ गया है वाइजर एक्सटेंडर, इसके काफ़ी सारे डिज़ाइन, काफ़ी सारे ऑप्शन और मिल जाएंगे, स्मोक में मिल जाएगा, ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट है। अंदर देखोगे तो रेडिएटर ग्रिल जिसमें TRK की ब्रांडिंग मिलेगी और पार्टिकल को पत्थर लगता भी है तो ये डैमेज नहीं होता है। इसके अलावा जो सम्प गार्ड मैं आपको बता रहा था वो भी इसमें ऐड हो चुका है, प्रॉपर तरीके से नीचे आप देख सकते हो इसमें ऐड हो चुका है। क्रैश गार्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है और यहाँ पर कैमरा माउंट लगाया है GoPro माउंट, जिसमें कुछ इस तरीके से अपना GoPro, अपना 360 कैमरा आप लगा सकते हो या फिर अपना फ़ोन भी लगा सकते हो। अब अगली चीज़ आ जाती है यहाँ पर मोबाइल होल्डर की, तो मोबाइल होल्डर के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसमें से एक ऑप्शन ये वाला है, फुल्ली वाटरप्रूफ आपका फ़ोन लग जाएगा इसके अंदर। अब आपने चार्जिंग करना है, चार्जिंग वाला भी मिल जाएगा जिसमें आपको वायर नहीं संभालनी, वायरलेस तरीके से चार्ज करेगा, तो यहाँ पर लग चुका है। ठीक है जी, ये देखो, तो अब क्या करते हैं इस बाइक को लेके चलते हैं बाहर, और भी इसकी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो आप। जैसे कि आपने अगर हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो हमने इसमें लगाए थे साइड पैनियर्स एंड टॉप बॉक्स, तो साइड पैनियर्स टॉप बॉक्स अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी अपने पास मिल जाएगा। इस बाइक को बाहर ले जाकर आपको फोकस वगैरह दिखाता हूँ और इसकी कंप्लीट लुक दिखाता हूँ कि कैसा आता है इसका लुक। अब आ रही है गाइस बाइक बाहर, और बाहर ले जाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं फोकस, क्योंकि इस तरीके की जो बाइक्स हैं अपने अंदर ही करते हैं शॉप में ताकि प्रॉपर तरीके से काम हो, कोई दिक्कत ना आए किसी तरीके का। लो जी, नाइट में देखो लुक, और अब दिखाता हूँ मैं आपको फोकस सामने लगा के इन फॉग लैम्प्स का कैसा आता है। ये देखो इसका वाइट का, ये येल्लो वाइट एक साथ, ये येल्लो का आ गया, ये वाइट का आ गया, आप करेंगे फ्लैशिंग। ये जो ब्लू वाला बटन है इसे दबाओगे तो फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। अब फ्लैशिंग चाहे येलो में ले लो या वाइट में ले लो या दोनों में ले लो। ठीक है जी, एक सेकंड हमने होल्ड किया, फॉग लाइट आपकी ऑफ हो चुकी है। अब मैं दिखा रहा हूँ नीचे वाली फॉग लैम्प्स को, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है रेड कलर का, इसको ऑफ कर लेते पहले, तो रेड कलर के इसमें जो डेविल लुक आ रहा है, इसके अलावा इसमें और ही फंक्शन मैंने आपको दिखाए थे अंदर। ये देखो छोटी सी फॉग लाइट है, अभी इसमें फोकस सेट करना बाकी है। ये देखो गाइस, तो छोटी और बड़ी दोनों के जो फोकस है वो काफ़ी कमाल है। अगर दोनों आप ऑन कर देते हो तो देखो भाई, तो टूरिंग के समय में मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके की फोकस में दिक्कत आने वाली है, फ्लैशिंग में दिक्कत आने वाली है, तो ऑल अबाउट कम्प्लीट है। बाकी एक बार आप यहाँ से लुक देखो कितना ज़्यादा मस्कुलर आ रहा है। तो एक एक चीज़ जो है इसकी वो प्रॉपर तरीके से डन हो चुकी है गाइस। तो गाइस का एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ कैसा है एक बार।
तो गाइस जितनी आपने मॉडिफिकेशन देखी ये हो चुकी है डन। बट जो भैया आए थे हमारे पास, एग्जैक्टली भैया कहाँ से आए थे आप? भैया हम आए हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। कुल्लू, एक बार पूरा नाम बताना। कुल्लू भुंतर से आए हैं हम, मेरा नाम आशीष वर्मा है जी। मैंने एक्चुअली आपका प्रेफरेंस ऑनलाइन चेक किया था, ओके, मुझे लगा कि यहाँ पे ही सबसे अच्छी एसेसरीज मुझे इसकी मिल सकती है जी। तो स्पेशली मैं पूरा मार्केट छोड़ के आपके पास आया और आपकी सर्विसिंग, आपके स्प्रेयर पार्ट सब कुछ बहुत अच्छा है, आपके टेक्नीशियंस बिल्कुल परफेक्टली काम करते हैं। कोई भी वियर एंड टियर कोई भी मेरी गाड़ी को नहीं हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाइक अभी जस्ट आप लेकर ही आए हो। जस्ट मैं अभी निकाल के आया। कहाँ से ली थी आपने बाइक अपनी? अभी मैं नोएडा से निकाल के आया हूँ, सेक्टर 63 से। फिर आप सीधे हमारी शॉप पर आए? तो गाइस भैया ने अभी बाइक सीधे ली है नोएडा से, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर भैया यहाँ पर लेकर आप सीधे अपने जाएंगे कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली है क्या? अच्छा, पहचान जाएंगे भाई लोगों, भाई का पेज फॉलो कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर करना। तो चलो भाई, आप लोग भी अगर आना चाहते हो तो अपनी शॉप पर आ सकते हो, इंडिया मोटर के साथ एसकेडी बाइक वर्ल्ड। मिलते हैं अगली वीडियो पर, टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत। और भैया को भी फॉलो कर लेना, क्या आईडी अपनी? मेरा नाम आशीष वर्मा है भैया, हैंडल मेरा शेयर कर देंगे आप जी। बिल्कुल भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा।